नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टीएसटी न्यूज लाइव और सच्ची खबर पर आपकी नजर। मैं हूं आपके साथ पिंकी। आई नजर डालते हैं आज की। वाराणसी हिंदुस्तानवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता नितिन सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में रोड शो किया गया। वाराणसी हिंदुस्तानवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता नितिन सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में पांडेपुर के छोटा लालपुर दत्रावीर मंदिर से आज 3 बजे प्रारंभ होकर पांडेपुर हुकुलगंज मरडीहा सिद्धा भेलूपुर होते हुए रविंद्रपुरी बालकिना राम पहुंचकर दर्शन कर रोड शो का समापन हुआ। रोड शो में मुख्य रूप से संजीव सिंह, राष्ट्रीय संरक्षक परमजीत सिंह, सरदार अनिल यादव, डॉक्टर अनिल कुमार, रिंकू राजभर सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। वाराणसी से राहुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मेरा परिचय, मैं हिंदुस्तानवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन सिंह रघुवंशी, जो कि मैं इस पार्टी को काशी से ही मैंने इस पार्टी को खोला है, जो कि आज हमारा रोड शो है और रोड शो से ही हमारा आगाज है, क्योंकि आगामी चुनाव बहुत ही नजदीक है और हम लोग की भी जो भी पार्टी की इच्छा है तो यह इच्छा है कि हम लोग भी उधर के अपनी पार्टी को लड़ाएंगे। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि पीएम साहब हमारे जो कि माननीय नरेंद्र मंत्री मोदी जी से 28 साल छोटा एवं मायावती जी से 23 साल छोटा और अमित भैया से 14 साल छोटा और राहुल गांधी से 9 साल छोटा एवं अखिलेश भैया और माननीय सीएम साहब से 7 और 6 साल छोटा हो, इसलिए मैं सबसे छोटा होने के नाते सभी बड़े भाइयों को प्रणाम करता हूं और मैं इसी काशी से लड़ने के लिए जो भी अपने प्रत्याशी को उतारूंगा तो यहां से मैं प्रत्याशी उतारना है और यह पार्टी का निर्णय कार्यकारी का निर्णय होगा, क्योंकि हम यही लड़ेंगे और हमें एक काशी से ही जातिवाद नहीं करना है, क्योंकि हम लोग पार्टी का मकसद है पहला के नाम रही है भारत के सूत्र और यह पार्टी मैंने इसलिए इसका गठन किया है क्योंकि हमारी लड़ाई जब भी होगी वह मजदूर किसान बेरोजगार और महिला बच्ची अत्याचार के लिए होगी, एक कानून व्यवस्था के लिए होगी और शिक्षा पे होगी। हमारा एक भी मुद्दा और एक जातिवाद पर नहीं होगा, जो भी मुद्दा होगा वह कार्यों पर होगा, क्योंकि हम कार्यों के लिए उतरे और कार्य हम करेंगे। इसका मैं चुनौती देते हुए मैं कह रहा हूँ कार्यों के लिए देंगे। कितनी मजबूत पार्टी आपको लग रही है इसमें? हमारी पार्टी या तो मजबूत जनादेश की बात पता चलेगा, क्योंकि हमारी पार्टी का जब घोषणा कार्य पत्र लॉन्च होगा, अगर हमारा घोषणा कार्य पत्र जनता को पसंद आया तो हमें भी आगे कि नहीं हमारी पार्टी लड़ सकते हैं और हमारी आगे की तैयारी होगी पूरी जनता जनादेश के लिए और जनता हित के लिए। किस तरह से मोदी जी को टक्कर देंगे? मोदी जी को पहले तो मैं टक्कर तरीके से दूंगा, जो मोदी जी का विकास हुआ जुम्मेबाजी धोखा फरक चौकीदार का सलीक है, केवल झूठ बोला गया है, केवल मोटा लगता जा रहा है, बच्चा विकास के नाम पर कुछ विकास नहीं हुआ। मैं आगे भी आया काशी की रोडों को देखा जाए, काशी के दिखा जाए तो हर जगह देखा जाए, तो हम लोग उनको रोकने के लिए अपना घोषणा कार्य पत्र लाएंगे और विकास का मुद्दा लेकर आएंगे और हमारी सरकार।